वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के बादशाह एबी डिविलियर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबी डिविलियर्स के बारे में। और आज हम आपको अपडेट देंगे कि कल के मैच में एबी डिविलियर्स ने कितने रन स्कोर किए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक करें अगर आप एबी डिविलियर्स के फ़ैन हैं तो। फ्रेंड्स, दुनियाई क्रिकेट में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी जो गेम से काफ़ी सारे जो फ़ैन हैं उन्हें हासिल कर लेते हैं, और एबी डिविलियर्स उनमें से एक हैं। दुनियाई क्रिकेट में अगर शायद ही कोई ऐसा जो है जो क्रिकेट का फ़ैन होगा जो कि डिविलियर्स की बैटिंग देखना पसंद ना करता हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि एबी डिविलियर्स के लाखों फैंस मौजूद हैं जो कि एबी डिविलियर्स को वापस क्रिकेट में देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अपडेट देंगे जिसे सुनकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एबी डिविलियर्स ने कल इंग्लैंड की काउंटी T20 ब्लास्ट में 84 रन की इनिंग खेलकर साउथ अफ्रीका बोर्ड को अपनी सिलेक्शन वर्ल्ड कप की सिलेक्शन ना करने पर अफसोस की खबर करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, एबी डिविलियर्स ने शानदार बैटिंग करते हुए 43 गेंदों पर 84 रन स्कोर करते हुए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को जवाब दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, एबी डिविलियर्स ने शानदार बैटिंग करते हुए जो है काफ़ी अच्छी सारी बैटिंग करते हुए 6 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए। और क्या ये अभी एक सवाल उठ रहा है, क्या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो है एबी डिविलियर्स को वापस टीम में लाएगी या नहीं, ये अभी काफ़ी बड़ा सवाल है क्योंकि अभी उनके जो काफ़ी प्लेयर हैं वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, जैसे कि हाशिम मामला है, डेल स्टीन है, और काफ़ी प्लेयर हैं, इमरान ताहिर है, वो भी वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये एबी डिविलियर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि डिविलियर्स क्या वापस क्रिकेट में आएंगे, क्या हम 360 डिग्री को वापस क्रिकेट में देख सकेंगे? सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप डिविलियर्स की इस इनिंग के बाद क्या चाहते हैं, क्या डिविलियर वापस टीम में आए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाएँ क्रिकेट की न्यू अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।